ओके गाइस, तो फाइनली आज हम कानून के बारे में बात करने वाले हैं। रेड रेडमी नोट 9 प्रो, ये हमारा फोन रेडमी नोट 9 सीरीज का तीसरा फोन था। तीन वेरिएंट लॉन्च हुए थे इसके, और इसमें रेडमी ने अपना फाइनली मैक्स सीरीज, यही वो फोन था जिसमें रेडमी ने अपना मैक्स सीरीज ऐड किया था। अगर कहना चाहें तो मैक्स सीरीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो चलिए फाइनली बात करते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रिंस, आप देख रहे हो टेक्निकल प्रिंस 9000। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं इस फोन के बारे में। इस फोन के फीचर्स के बारे में बात करें तो पहले हम बात करते हैं फोन के बारे में। फोन जो है ये मेरा वाला जो वेरियंट है, जिसे मैं आप देखिए 4GB रैम के साथ और 64GB स्टोरेज के साथ हमने इसे परचेज किया था। इसकी प्राइसिंग नियर अबाउट 14,000 थी, हमने इसे 2 साल पहले कंपेरिजन किया था। आज के डेट में हम बात करने वाले हैं कि इस फोन में वर्किंग कंडीशन क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके फोन के बारे में। तीन वेरियंट आए थे, इसमें एक नोट 9 था, प्रो था और एक मैक्स था। प्रो मैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस था, जो कि चार्जर का डिफरेंस था। नोट प्रो में आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, जबकि 9 प्रो मैक्स में आपको 3.5 वाट का चार्जर देखने को मिलता था। दोनों का फर्क इतना था, इसी वजह से प्राइसिंग में 2.5 हजार डिफरेंस भी देखने को मिलता था, और सारे फीचर्स सेम थे। बात करें प्रोसेसर भी दोनों सेम थे। बात करते हैं दोनों की प्रोसेसर के, तो प्रोसेसर में दोस्तों खास बात यह थी कि दोनों में सेम प्रोसेसर ऐड किए गए थे। प्रो में भी 720G मिलता है, आपको मैक्स में भी 720G प्रोसेसर मिलता है। बात करते हैं इसके डिस्प्ले के। डिस्प्ले की हमने जब टेस्टिंग की तो डिस्प्ले में काफी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिली हमें, जो कि काफी अच्छे तरीके से 4K वीडियो सपोर्ट कर रहा था। हमने क्वालिटी इसको भी एक्सपेंड किया, क्वालिटी हमने एक्सपेंड की तो वीडियो काफी अच्छे तरीके से ये क्लियर कर रहा था। जिस प्रकार आपके फोन में 4K वीडियो सपोर्ट करती है, तब इस फोन में 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करती थी। फिर हमने फाइनली इसके फिंगरप्रिंट की टेस्टिंग की, फिंगरप्रिंट भी अच्छे से काम कर रहा था। हमने कई बार इसको ओपन ऑफ एंड ओपन किया, इसके तरीके से काफी अच्छी वीडियोस शो हो रही थी। फिंगरप्रिंट भी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी दोनों में प्रो एंड मैक्स की अगर बात करें तो दोनों में सेम रहती थी, दोनों में 5000 की अच्छी बैटरियां मिलती थी। बात करते हैं बैटरी की, और हमने इसमें इसकी डिजाइन की टेस्टिंग की। डिजाइन में हमें कोई खास देखने को मिला, जिसमें आपको ग्लास फ्रेम देखने को मिलता है बैक पीछे, और हेडफोन जैक मिलता है, जबकि अब सामी के फोन में हेडफोन जैक 3.5 mm आना बंद हो चुके हैं। और हमने इसमें पबजी भी खेली, जिसमें पबजी परफॉर्मेंस भी अच्छा था, थोड़ा सा टाइम ले रहा था ओपनिंग मोड में, क्योंकि प्रोसेसर अच्छे से इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमने एक दो गेम खेले और पूरी अच्छी तरीके से लाइकिंग देखने को काफी कम मिलती है, थोड़ा थोड़ा मिलती है और उतना नहीं मिलती है। और बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे, हम बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन इसका मेटल फ्रेम मिलता है आपको पीछे से, बैक कवर काफी अच्छा है। हमने व्हाइट वाला वेरियंट चूज किया था, जो काफी अच्छा लगता है। और हम जो है जब इसकी लास्ट टेस्टिंग की, तो जो हमें ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिला काफी अच्छा था, और जब हमने इसके ऐप ओपनिंग टेस्टिंग की तो काफी अच्छे लगे, वो ऐप भी अच्छे तरीके से ओपन हो रहे थे। हमने कई सारे ऐप्स भी टेस्ट किए, जो कि काफी अच्छी थी। तो जहाँ तक की हमने पॉसिबिलिटी हो पाई, वहां तक इस फोन को हमने हार्डली टेस्ट किया है। तो फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। हमने कैमरा टेस्टिंग भी की, हम लोग आउटडोर शूट किया, कुछ वीडियोज हमने नाइट में जाके शूट की और कुछ डे वीडियोज भी शूट की। काफी अच्छी है कैमरा क्वालिटी की, अगर हम लोग बात करें काफी अच्छा रेडमी जो है कैमरा पोर्शन देता है, जिस तरह हमने 8 में और जिस प्रकार से हमने इसे रनिंग करके देखा काफी अच्छा फोन है। 2 साल के बाद भी ये काफी अच्छा बैकअप देने को कोशिश कर रहा है, और एक
जैसे कह सकते हैं मनी मनी आपका 100% यूज कर लेता है और कई सारे फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने इस फोन की पूरी तरीके से रिव्यू किया, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पहली बार हैं, विजिट कर रहे हैं, तो जो सब कहते हैं वही हम भी कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए।